जय गुरु। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम एक दिवस सजा परम ब्रह्मा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कैसे रमन शाह की माँ को दिए थे उसके ऊपर आलोचना करेंगे। रमन शाह की माँ एक वृद्धा महिला थी, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। स्वार्थ पर आघात लगने पर ही लोगों को गाली गलौज करने लगती थी। इसके चलते कभी कभी अन्य लोगों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता था। इस अल्पबुद्धि असहाय ग्रामीण महिला के प्रति श्री ठाकुर का अपार स्नेह था, इसलिए रमन माँ के साथ झगड़ा करने के समय कोई कभी भी मात्राहीन निष्ठुर व्यवहार नहीं करते थे, जिससे कि यह ठाकुर के कष्ट का कारण नहीं बन जाए। झगड़ा या थोड़ा बहुत धक्का मुक्की तक ही होता था, जिसके चलते झगड़ा उपयोग करने लायक होता था और यह सब दयाल ठाकुर के सामने ही होता था। एक दिन तित्री दी आसम राशि के एक महिला का रमन माँ के साथ झगड़ा एक सीमा से पार हो गया। रमन माँ का कपड़ा पकड़कर खींचतान करने के समय रमन माँ तित्री दी को मारी। उसके बदले में तित्री दी रमनदा के माँ को धक्का देकर मुक्का थप्पड़ मारने लगी। रमनदा की माँ बुजुर्ग महिला थी, वो धक्के को संभाल नहीं सकी, नीचे गिर गई और उसी अवस्था में तित्री दी को असभ्य भाषा में गाली गलौज करने लगी, जिसके चलते तित्री दी उसके मुंह पर इतना जोर से मुक्का मारी कि रमनदा की माँ का हिला हुआ दांत टूट गया एवं खून बहने लगा। रमनदा की माँ उसी अवस्था में रोती हुई श्री ठाकुर के पास पहुँच गई। अपने प्रिय बूढ़ी महिला की ऐसी दुर्दशा देखकर दयाल की दोनों आँखों अश्रुजल से भर गई। तित्री दी को समझ में आई कि ठाकुर को बहुत तकलीफ पहुँची है, ऐसा करना ठीक ही हुआ। अपराधी मन से चुपचाप एक किनारे बैठ गई। दयाल का मन शांत होने पर उनसे बोली, ठाकुर मैं उसका दांत बनवा दूंगी, और बहुत कुछ बातें बोली। श्री ठाकुर कोई बात नहीं सुन रहे थे, उनका गला अभी रुद्ध था। तित्री दी से बोले कि तुमने ऐसा काम किया, देखो तो उसका क्या हाल बना दिए हो। तित्री दी के पास कोई जवाब नहीं है। इधर श्री ठाकुर का यह अवस्था देखकर रमनदा की माँ का मन शांत हो गया। वे धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगी। इतने में श्री ठाकुर उसके चिकित्सक का इंतजाम करवाया। थोड़ी देर बाद देखा गया एक भक्त एक थैले में सेव नाशपाती इत्यादि कई तरह के फल लेकर आया। श्री ठाकुर कब जो फल लाने भेजे थे हम लोग को पता भी नहीं चला। फलों को एक बर्तन में सजाकर तित्री दी के सामने देने बोले दिया गया। तित्री दी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, टकटकी नज़रों से सिर्फ ठाकुर की तरफ देख रही थी। तब दयाल फलों को दिखाकर बोले उसे खाओ। तित्री दी अचानक कांप उठी, बोली मैं खाऊंगी? गंभीर आदेश भरे स्वर में श्री ठाकुर ने कहा कि हाँ तुमको ही खाना है। श्री ठाकुर के स्नान का समय व्यतीत हो गया, परंतु कौन उस ओर ध्यान रखेगा। इतनी छोटी बात होने पर भी एक अभावनीय लीला घटने वाली थी। सभी लोगों की नज़र उधर ही निबद्ध थी। सबको पता था कि प्रभु जो कुछ करना चाह रहे हैं वो समाप्त न होने तक वहाँ से उनके उठना संभव नहीं है।
सारा फल तैतरी दी को खाए बिना कोई उपाय नहीं था। श्री श्री ठाकुर स्वयं सामने बैठे हैं। फिर इतना बड़ा अपराध करने के बाद अनेक लोगों के नज़रों के सामने बैठकर इतना फल खाना तैतरी दी के लिए बड़ी समस्या हो गया। अब उनको समझ में आ रहा है सबके देवता है जो उनके अंतर को व्यथा देकर इतना महंगा फल उनके सामने बैठकर खाना या और कुछ नहीं है, अपने पाप का ही प्रायश्चित है। परंतु इतना करना उसके लिए बहुत कठिन है। लज्जा डर अपमान से सिमट कर सिकुड़ गई है। उसके अंदर का हीनमन्य अहं लगता है पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। इसी परिस्थिति से बचने के लिए तीतरी दी हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, बाबा इससे अच्छा है आप मुझे मारे। लेकिन असत को सदा के लिए अपसरित करना ही तो परम पुरुष का विधान है। वो एक ऐसा सजा देना चाहते हैं जिससे कि तीतरी दी को मन से हिंसा का भाव तथा इष्ट के अंतर की व्यथा देने लायक कोई कार्य फिर भी न कर सके। इससे उसका वास्तविक रूप से मंगल होगा। इसलिए तीतरी दी की बात पर गर्जत हुए बोले, मारने के समय याद नहीं था, पूरा खाकर ही उठना होगा। रोते रोते दो तीन फल खाने के बाद तीतरी दी बोली कि ठाकुर मैं तो खाई और खा नहीं पा रहा हूँ। परम प्रभु के बजाओ हुंकार से घर कांप उठा, गर्जते हुए बोले, खाओ पूरा बैठकर खाना है। यह अमोघ निर्देश अमान्य करने का साहस शायद दुनिया में किसी का नहीं होगा। घर भर लोगों के सामने रोते रोते तीतरी दी को पूरा फल खाना पड़ा। उसके बाद श्री ठाकुर स्नान करने के लिए गए। अद्भुत प्रतिरोध था, इसी महिमा का वर्णन कैसे करूं? पता नहीं, सिर्फ विस्मित होकर इस महाविस्मय की तरफ देखता रहा। जो भी करते हैं वही अभिनव है, जो कहते हैं वही अनुपम है। रमन माँ जैसे उनकी संतान है, तीतरी दी भी तो ऐसा ही है। किसी का अकल्याण जिससे न हो, परंतु असत मनोवृत्ति तिरोहित हो जाए, ऐसा ही वे करते हैं। जय गुरु।